हेलो फिक्शनर्स, मैं हूं अविनाश और आज अपन बात करेंगे इंडिया के एक और नए सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। मैं बात कर रहा हूं फर्जी और फैमिली मैन के सिनेमैटिक यूनिवर्स की। तो पहले ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट इन दोनों सीरीज के मेकर्स यानी कि राज और डीके ने अभी ऐसा प्लान कर दिया गया है कि इन दोनों सीरीज को कंबाइन कर देंगे और एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे। आज अपन इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ फर्जी सीरीज का रिव्यू भी करेंगे, तो बस एंड तक बने रहना। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर सकते हो अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हो। तो चलो शुरुआत से बात करते हैं। फैमिली मैन का सीजन 1 और सीजन 2 दोनों Amazon Prime Video पर अवेलेबल है। हालांकि इन दोनों ही सीजन्स में तुम्हें फर्जी से रिलेटेड कोई भी रेफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि सीरीज के मेकर्स के पास ऐसा कोई पहले आइडिया नहीं था। ओवरऑल ट्रेंड को देख के उन लोगों ने भी एक यूनिवर्स बना दिया है। अब अगर तुमने फैमिली मैन का सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो जाके देख लो, तुम रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि दोनों ही सीजन काफी शानदार है। हालांकि सीजन 1 ज्यादा बेहतर है, पर नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि ये भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन गया है। तो अगर तुम इसे मिस कर दोगे तो तुम कूल नहीं हो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये दोनों ही सीजन Amazon Prime Video पे अवेलेबल है और Amazon Prime Video पे ही फर्जी आ रही थी, तो भाई Amazon वालों ने और सीरीज मेकर राज और डीके ने सोचा कि चलो इसका एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया जाए, और लो बन गया एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। बात करें इसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मनोज बाजपेयी, विजय सेतुपति और शाहिद कपूर जैसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, जो कि किसी एक्टर को प्ले नहीं करते, उसके अंदर घुस जाते हैं। और भाई परफॉर्मेंस की बात ही हो रही है, और अगर हम फर्जी के अंदर विजय सेतुपति और शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस की बात ना करें, भाई साहब क्या परफॉर्म किया है। वैसे अभी मैंने पूरी सीरीज खत्म नहीं की है, सिर्फ 5 ही एपिसोड देखे हैं और खुद को रोक नहीं पाए इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से, तो मैं बस वीडियो बनाने चला आया और इसको अपलोड करने के बाद मैं शायद आज रात तक ये सीरीज देख भी लूंगा। तो अभी 5 एपिसोड्स तक जहां मैंने सीरीज देखी है, मुझे तो सीरीज बहुत पसंद आई। मतलब एक नॉर्मल बॉलीवुड की रीमेक मूवी देखने से अच्छा तुम इसको देख लो और तुम रिग्रेट नहीं करोगे। स्टोरी काफी ठीक ठाक है और भाई परफॉर्मेंस तो लाजवाब है। और इस सीरीज की सबसे बड़ी बात वही है जो कि है परफॉर्मेंस। विजय सेतुपति और शाहिद कपूर दोनों ने जान झोंक दी है अपने कैरेक्टर्स के अंदर, और साथ ही साथ थोड़े बहुत जो कॉमेडिक टच दिए गए हैं इन दोनों के कैरेक्टर्स को, वो काफी शानदार लगते हैं। ओवरऑल सीरीज की टोन जो है वो फैमिली मैन से मैच करती है, तो आपको ये आइडिया लगने लगता है कि भाई ऐसा तो कुछ कहीं ना कहीं देखा हुआ है। फैमिली मैन से रिलेटेड इसके अंदर बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं, तो तुम उनको एंजॉय कर सकते हो अगर तुमने फैमिली मैन का सीजन 1 और सीजन 2 देख रखा है। तो उसके अलावा एक सीन के अंदर तो भाई अपना विजय सेतुपति मनोज बाजपेयी को कॉल कर देता है और अपने को उनकी वॉइस सुनाई दी जाती है। सच कहूं तो वो एक्सपीरियंस तुम सिर्फ वो सीरीज देख के निकाल सकते हो, तो जाके सीरीज देख लेना इस वीडियो के बाद। जल्दी जल्दी में लोगों ने सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस तो कर दिया है, बट उम्मीद यही करूंगा कि वो लोग अच्छे से इसको पुल आउट कर ले, क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा फ्लॉप होगा। लेकिन जैसा अभी तक उन लोगों ने 3 सीरीज को निकाला है, फर्जी, सीजन 1, फैमिली मैन और सीजन 2, देखने से तो यही लग रहा है कि भाई लोग निकाल लेंगे अच्छे से। बस इंतजार रहेगा इनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स का। अब जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई मोस्ट प्रोबेबली लोग फर्जी का सीजन 2 भी बना सकते हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी तक सीजन फिलहाल मैंने देखा नहीं है। बाकी तुमको वीडियो पसंद आया तो तुम लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे किसी और दिन ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।